अपराध शाखा सावनेर को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्रतिबंधित बीटी बीजों का अवैध व्यापार करने वाले आरोपी से 11,15,050 रुपए का माल जब्त किया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल जट्टेवार ने अधिक जानकारी साझा की। सोमवार को अपराध शाखा सावनेर उप विभाग नागपुर ग्रामीण परिसर में पेट्रोलिंग कर रही थी, जिस दौरान मिली गुप्त जानकारी के आधार पर तालुका कृषि अधिकारी कर्मेश्वर और उनके पृथक ने सावनेर कर्मेश्वर मार्ग पर नाकाबंदी की, जिस दौरान उन्हें एक कार आती हुई दिखाई दी। आरोपी शेषराव उर्फ नागेश नारनौरे से पूछताछ करने पर ये बात सामने आई कि आरोपी के पास 150 बोगस पीटी बीज है, जिसे पुलिस द्वारा जब्त किया गया। स्थानिक गुन्हे शाखा नागपुर ग्रामीण पथकाला गोपनीय माहिती मिळाल्यावरून पथकाने सापळा रचून कृषी अधिकारी यांच्या सहाय्याने प्रतिबंधित बीटी बियाणे विकणेकरता घेऊन जाणाऱ्या इस्माला पकडले। सदर इस्माचे नाव शेषराव नागेश नारनवरे राहणार वडविरा तालुका काटोल असे असून त्याच्याकडून 150 प्रतिबंधित बीटी बियाणे पॉकेट व मारुती इर्टिगा वाहन असा एकूण 11,15,050 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे। सदर आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास कामी पोलीस स्टेशन कर्मेश्वर यांच्या ताब्यात देण्यात आले। नाही, या अगोदर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल नाही आहे। सदर आरोपी हा बियाणे कंपनीमध्ये काम करत होता अगोदर, त्याच्यामुळे बियाण्याबद्दल त्याला माहिती होती। पुलिस ने आरोपी से कुल 11,15,050 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया और आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।